कर्नाटक में जैन संत की हत्या का राहतगढ़ में विरोध। जैन समाज ने रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कर्नाटक के बेलगांव में 5 जुलाई को नंदी पर्वत आश्रम से जैन संत का अपहरण कर निर्मम हत्या करने के विरोध में जैन समाज ने गुरुवार को भारत बंद बुलाया, जिसका असर सागर जिले के राहतगढ़ में भी देखने को मिला, जहाँ जैन समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कर्नाटक राज्य में 5 जुलाई को चक्कोड़ी के पास हरिकोटी पर्वत पर जैन आचार्य मुनिश्री काम कुमार नंदी जी महाराज विराजमान थे। कुछ लोगों द्वारा उनका अपहरण कर उन्हें तड़फा तड़फा कर मारा गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना से संपूर्ण देश की जैन समाज में आक्रोश है और उन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं इस प्रकरण की CBI द्वारा जांच कराई जाए, ताकि आगामी भविष्य में इस तरीके की घटनाएं जैन समाज एवं अन्य किसी भी समाज के साधु साध्वियों के साथ इस तरीके की घटना भारतवर्ष में घटित ना हो। और गंज के मंदिर में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग इकट्ठा हुए। यहां से हाथों में काली पट्टी बांध कर मौन जुलूस निकाला, जो बाजार बस स्टैंड से होता हुआ रेस्ट हाउस पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार वैभव बैरागी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक में 5 जुलाई को हमारे मुनि साधु काम कुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में आज सकल जैन समाज राहतगढ़ द्वारा यह ज्ञापन माननीय तहसीलदार महोदय जी को सौंपा गया है। उनके माध्यम से यह ज्ञापन सकल जैन समाज ने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी एवं राज्यपाल महोदय के नाम से सकल जैन समाज ने आज यहां पर ज्ञापन सौंपा है। और इस घटना के विरोध में राहतगढ़ सकल जैन समाज ने हमारे गंज के दिगंबर जैन मंदिर से मौन जुलूस के रूप में अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर काली पट्टियां बांधकर अपना शांतिपूर्वक विरोध जताया एवं माननीय तहसीलदार महोदय जी के लिए ज्ञापन सौंपा है।